सो सबसे पहले स्नैपसीट को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ से अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे, अपने जो मॉडल के पीछे जो बैकग्राउंड लगाएंगे वो बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ से टूल्स के आइकन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से नेक्स्ट काम करना होगा, विल एक्सप्लोर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गैलरी वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ से अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन आपका मॉडल आ चुका है। यहाँ से ओपेसिटी को 100 कर देंगे। देन यहाँ से आप क्या करना होगा, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ से एरो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ऊपर देख सकते हैं, इस एरो पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, वी एडिट पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ से फाइल खुल के तैयार हो जाएगी, इस फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सबसे पहले बीच वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा। सो यहाँ से इस कोने में देख सकते हैं, इस एरो पे क्लिक कर देंगे, आपका बैकग्राउंड गायब हो जाएगा एंड मॉडल आ जाएगा। एंड रेशियो को -100 कर देंगे, देन कुछ इस तरह से अप्लाई कर देंगे अपने पूरे फोटो बैकग्राउंड पर। देन फोटो को जूम करेंगे एंड इस तरह से कर देंगे। मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ, आपको स्लो स्लो कर देना होगा। तो यहाँ से हो चुका है एंड यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ से क्या करेंगे, बैक कर देंगे ऊपर एरो से एंड फिर से टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट प्रोसेस सर आपको दिखा देंगे। एंड यहाँ से डिटेल्स को सिलेक्ट करेंगे, देन इसकी सैचुरेशन को कुछ इतना प्लस कर देंगे एंड शार्पन को कुछ इतना कर देंगे एंड यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं बिफोर आफ्टर। एंड फिर से टूल्स के आइकन पे क्लिक कर देना होगा, देन नेक्स्ट प्रोसेस दिखाएंगे हम आपको, ट्यून इमेज पे क्लिक करेंगे, देन इसकी सेटिंग को देख सकते हैं एंड कंट्रास्ट को कुछ 31 प्लस कर देंगे एंड सैचुरेशन को कुछ इतना माइनस कर देंगे 7 एंड अमांस को कुछ इतना माइनस, सॉरी देख सकते हैं फोटो के अकॉर्डिंग करना है, प्लस कर देंगे एंड हाईलाइट को भी कुछ इतना माइनस कर देंगे 3 एंड शैडो को भी कुछ इतना ही पर माइनस कर देंगे। अपने फोटो के अकॉर्डिंग रखना है, सेटिंग बारीकी से देख सकते हैं, इसको भी कुछ इतने प्लस कर देंगे एंड यहाँ से राइट क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ से फिर से टूल्स के आइकन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से सेलेक्टिव को सेलेक्ट कर लेंगे, आपका फेस पूरा हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। देन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अपने फेस पर। सो इसकी सेटिंग को देख सकते हैं, कंट्रास्ट को इतना प्लस कर देंगे, सैचुरेशन को कुछ इतना पे माइनस रख देते हैं, कुछ इसको भी इतना प्लस कर देंगे। सो यहाँ से फोटो शेयर कर लेंगे अपने स्केचबुक के अंदर, स्केचबुक के अंदर आ चुके हैं। देन यहाँ से लेयर वाले आइकन क्लिक कर देना होगा, देन यहाँ से एक लेयर बना के तैयार कर लेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, देन आपकी लेयर बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ब्लेंडिंग वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा, आपको सेटिंग्स की बारीकी से देखनी है। एंड यहाँ से सॉफ्ट लाइट को सिलेक्ट कर लेंगे, सो यहाँ से सॉफ्ट लाइट को सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ से बैक करेंगे एंड यहाँ से ब्रश के आइकन पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आपका ब्रश कुछ कौन सा रहने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम बारीकी से। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्क्रॉल करेंगे कुछ नीचे की तरफ एंड आपका ब्रश आ चुका है, ये ब्रश रंगने वाले हैं हम। सो यहाँ से कर लेंगे कलर वाले आइकन पे क्लिक, देन यहाँ से वाइट कलर सिलेक्ट कर लेना होगा। देन मैं आपको एरो बना के दिखा रहा हूँ, सेम वैसे ही करना है। देन यहाँ से फेस को जूम कर लेंगे एंड कुछ इस तरह से अप्लाई कर देंगे एंड मैं जल्दी से कर देता हूँ। देन हो चुका है, देन फिर से ब्रश वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा एंड आपका फेस स्मूथ कर दिखाएंगे एकदम बारीकी से। एंड नेक्स्ट ब्रश को देख सकते हैं, ये ब्रश रखने वाले हैं हम। एंड इसकी सेटिंग को भी दिखा देते हैं हम, एकदम बढ़िया तरीके से देख सकते हैं इसकी सेटिंग एंड स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। देन यहाँ से फिर से लेयर वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा एंड इसकी लेयर पे क्लिक करेंगे। सो इसको मर्ज कर देंगे इस लेयर को ताकि एक बन के तैयार हो जाए। देन यहाँ से बैक करेंगे एंड फोटो को जूम करेंगे, कुछ इस तरह से साइज को अपने रख लेंगे
छोटा बड़ा रख सकते हैं, फ़ोटो को जूम कर सकते हैं एंड कुछ इस तरह से रफ कर देंगे अपने फेस पर एंड बढ़िया तरीके से स्मूथ हो जाए। देख सकते हैं मैं जल्दी से कर देता हूँ, आपको स्लो करना है। सो गाइस देख सकते हैं कितना बेहतरीन फ़ोटो बन के तैयार हो चुका है एंड यहाँ से सेव कर लेंगे।